हे एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम बात करेंगे ब्रीथलाइजर के बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन छोटा सा किया गया है। ये जो ब्रीथलाइजर होता है वो अल्कोहल डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अब अल्कोहल डिटेक्शन के लिए ब्रीथलाइजर कैसे यूज़ होता है और ये डिवाइस कैसा होता है, ये हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो जो ब्रीथलाइजर है वो डिवाइस है एस्टिमेट करने के लिए ब्लड अल्कोहल का जो कंटेंट होता है, ब्लड अल्कोहल कितना है उसको जानने के लिए ब्रीथलाइजर का यूज़ करते हैं और ब्रीथ सैंपल को इसमें एनालाइज करते हैं। हमने ऑलरेडी सैंपल कलेक्शन में बात करी थी कि सैंपल कलेक्शन कैसे करना है ब्रीथ का। जो ब्रीथ सैंपल हमको लेना है, हमने बात करी थी कि जो एल्वियोलर एयर है वो काम की चीज़ होती है, और जो लास्ट का फोर्स्ड ब्रेथ होता है, जो फोर्स करके ब्रीथ करते हैं लोग, उसमें एल्वियोलर एयर प्रेजेंट होती है। तो इसी एल्वियोलर एयर को हम इसमें यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट ब्लड अल्कोहल कंटेंट। जो ब्रीथलाइजर है वो एक ब्रांड नेम है एक इंस्ट्रूमेंट का। ऐसा नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम ब्रीथलाइजर है। ब्रीथलाइजर एक ब्रांड नेम है। जैसे शैम्पूज होते हैं, सारे तो शैम्पू ही होते हैं बट ब्रांड नेम अलग अलग होती है, कोई पैंटीन, कोई हेड एंड शोल्डर्स, तो वैसा ही है। ब्रीथलाइजर ब्रांड नेम है उस इंस्ट्रूमेंट का जो कि ब्रीथ को एनालाइज करती है या जो ब्रीथ के थ्रू ब्रीथ अल्कोहल कंटेंट का डिटेक्शन करती है। अब इसको डेवलप किन्होंने किया था, इसको डेवलप किया था रॉबर्ट फ्रैंक बोकनस्टीन ने। और ये किस चीज़ के लिए काम आता है, जो हमारे देश में या पूरे दुनिया में जो ड्रिंकिंग ड्राइविंग के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं फैटल एक्सीडेंट्स को। एक्सीडेंट्स अक्सर हो जाते हैं ड्रिंक एंड ड्राइविंग की केस में, और ये इलीगल भी है कि आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकते एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर। हमने डिस्कशन किया था कि इंडिया में वो सर्टेन अमाउंट 30 mg/100 ml ब्लड में है। अगर उससे ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट ब्लड में प्रेजेंट है तो आप लीगली आपको केस हो लीगली एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। तो इस वजह से ब्रीथलाइजर का यूज़ करते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है अगर ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में मोस्टली ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं टू डिटेक्ट द अल्कोहल कंटेंट इन द ब्लड। अगर उनका अल्कोहल कंटेंट सही है, 30 mg के नीचे है, तो वो ड्राइव कर सकते हैं। अगर उसके अबव है तो उनको पुलिस पकड़ लेती है। इसके अलावा इसका प्रिंसिपल क्या है, ब्रीथलाइजर का प्रिंसिपल, आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट अब्जॉर्ब्स फ्रॉम माउथ, थ्रोट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। याद करो, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कि अल्कोहल कैसे अब्जॉर्ब होती है बॉडी में, माउथ से, थ्रोट से, स्टमक से और इंटेस्टाइन से होती है और ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, ब्लड फ्लो में आ जाती है। और जो अल्कोहल है उसका डाइजेशन नहीं होता, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है या अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हेन ब्लड गोज थ्रू द लंग्स, अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में अगर अल्कोहल आ गई है और जो हमारा ब्लड है वो पूरे बॉडी में पंप हो रहा है, तो जब वो हमारे लंग्स में जाएगी तो जो अल्कोहल है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके एयर सैक्स में चला जाएगा, एल्वियोली में चला जाएगा, और जब उसमें चला जाएगा तो उसके थ्रू ब्रीद में आएगा, क्योंकि उसका नेचर वोलाटाइल होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था जो कि अल्कोहल है वो वोलाटाइल नेचर का होता है। इट मीन्स इट इवेपोरेट्स, वो इवेपोरेट होता है, तो वोलाटाइल होने की वजह से वो एयर सैक से ब्रीद में आने लग जाता है। इस वजह से ही हम ब्रीद एनालाइज करके अल्कोहल कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज रिलेटेड टू द ब्लड अल्कोहल लेवल, द ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन इज मेजर्ड बाय इट। तो जो ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जितना ब्लड में अल्कोहल है उतना ही डिसॉल्व होकर मेम्ब्रेन में भी जाएगा। तो जो एयर सैक की मेम्ब्रेन है, जो ब्रीद में जितना अल्कोहल है उसके थ्रू हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ब्लड में अल्कोहल का कितना कंटेंट है। As the alcohol in the alveolar air is exhaled, it can be detected by the breath. वही बात हुई कि जो alveolar में alveolar air है उसमें जितना concentration है alcohol का, उसके through हम ये detect कर सकते हैं कि blood में कितना concentration है। तो जो devices हैं जो कि breath को analyze करती हैं या जो breath में alcohol detect करती हैं, वो तीन type की हैं। पहला है breathalyzer, second है intoxizer, third है अल्कोसेंस, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो ब्रीथलाइजर है वो किस बेसिस पे वर्क करता है, इट यूज़ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल एंड प्रोड्यूस अ कलर चेंज। ये कलर चेंज प्रोड्यूस करके बताता है कि ब्लड अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है और या कम है, या फिर इतना कलर चेंज से ये पता चल जाता है कि एक्सेसिव है या नहीं, किसी पर्सन को ड्राइव करना चाहिए या नहीं। सेम इंटॉक्साइजर में
डिटेक्ट एल्कोहल होता है थ्रू आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी. आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होता है टू डिटेक्ट एल्कोहल कंटेंट इन दी ब्लड. उसके बाद है एल्कोसेंस 3 और 4, ये डिटेक्ट करता है थ्रू केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन द फनल सेल. जो फनल सेल होती है उसमें उसमें एल्कोहल के केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये एल्कोहल कंटेंट को डिटेक्ट करता है. तो ये मेजर तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं पुलिस के द्वारा ब्लड एल्कोहल कंटेंट को मेजर करने के लिए. उसके अलावा इन तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये चीज़ एक कॉमन रहती है जो कि एक माउथ पीस होता है जिसके थ्रू जो भी सस्पेक्ट है वो एयर ब्लो करता है. एल्वियोलर एयर कलेक्ट करते हैं जब हम. उसके अलावा एक ट्यूब रहती है जिससे थ्रू सैंपल जो है ब्रीथ सैंपल वो एक चेंबर में चला जाता है. और वो चेंबर जो रहता है थर्ड चीज़ वो चेंबर है जहाँ पे एयर जाके रुकती है और वहाँ पे उसका केमिकल रिएक्शन या आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो भी मेथड प्रिंसिपल्स है उसके थ्रू एल्कोहल कंसनट्रेशन का डिटेक्शन होता है. तो यहाँ पे ब्रीदलाइजर कंप्लीट हो गया है. ब्रीदलाइजर बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक है. तो ब्रीदलाइजर का मैकेनिज्म ऐसे है और इतने टाइप के ब्रीदलाइजर होते हैं. उसके साथ ही एल्कोहल का कंप्लीशन यहाँ पे हो गया. एल्कोहल डिटेक्शन का केमिकल डिटेक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में. और उसके अलावा ब्रीदलाइजर जो बच गया था वो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर कर लिया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.